अपनी जरूरतों को पूरा करने के इरादे से रोज निकलता हूं अपने घर से, पर तमाम परेशानियों से समझौता करता हुआ अपनी अब तक की कमाई हुई सारी की सारी तालीम को परोस देता हूं अपने ग्राहक के सामने। पर वो इससे सहमत नहीं होते। उसी कमी को खोज अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में समेट लेता हूं मुट्ठी भर पैसे, पर घर की किस्त, बच्चों की पढ़ाई और दुनियादारी सिर्फ अपने सपनों को रौंद पूरी होती है। उसकी भी यही कहानी है। वो भी मुट्ठी भर पैसों से जरूरतें पूरी करता रहा, पर अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाया। उसने अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय किया और दुनियादारी की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य को भेदा और बना नेटवर्क मार्केटिंग की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप का डायमंड लीडर मिस्टर राम शंकर चौधरी। सिया शरण चौधरी, उजियारपुर, गांव माधोपुर, समस्तीपुर। वहां छोटे खेत वाले किसान अपनी पत्नी श्रीमती मिथिलेश देवी के साथ रहा करते। 5 बच्चों के माता पिता बने। इन्हीं के घर 11 जनवरी 1967 को जन्म हुआ राम शंकर का। अपनी बड़ी बहन से छोटे और बाकी भाइयों से बड़े एक किसान के पास समय और आय हमेशा कम होती है, तो राम शंकर की पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। 5 से 8 मिडिल स्कूल बाजीपुर से, 9 से 10 की MND माधोपुर कॉलेज से। इसके बाद KSR कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। पढ़ाई के साथ ट्यूशन पढ़ाते। पिता के हालात और मजबूरियां समझ आ चुकी थी, तो LIC के अभिकर्ता बन आर्थिक विकास को बढ़ाना शुरू किया और लग गए लोगों से मिलने। पिताजी कमजोर होते जा रहे थे। उस समय रामशंकर 22 और 23 उम्र के थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी, तो अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब उद्देश्य बनाया भाइयों की शिक्षा का और उनकी शिक्षा में लग गए। खेती की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ गई। इसी बीच 12 जुलाई 1991 में कविता कुमारी से शादी हो गई। अब परिवार में एक सदस्य और बढ़ा। उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ी तो बड़े शहर जाकर काम करने का निर्णय लिया और पटना चले गए। पर यहां भी हालात वैसे ही रहे। सिर्फ 1200 रुपए प्रति माह की नौकरी करने लगे। 1994 से नौकरी का सफर 2002 तक चला। तब तक रामशंकर 5 बच्चों के पिता बन चुके थे, 2 बेटे 3 बेटियां। बच्चे तेजी से बढ़ रहे थे पर तनख्वाह नहीं, तो 2002 में वापस अपने गांव तंबाकू की खेती करना शुरू किया। साथ ही नर्सरी लगा
पौधों को बेचने का काम किया, पर रोटी खाने तक ही आय सीमित रही। सपने तो दूर की बात, बेटियां बड़ी हो रही थी, शादी लायक हो चली थी, पत्नी को उनकी चिंता भी थी। वो अपने पति के हालात को भी समझती तो रोने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं था। पर राम शंकर को उनके आंसू दिख गए तो उन्होंने अपने आप को फिर से साबित करने का प्रण लिया और नर्सरी से दसवीं तक की रेजिडेंशियल एकेडमी खोली। इसी समय 2012 में सेफ शॉप का प्लान लेकर एक अनजान शख्स आया, पर प्लान पर विश्वास नहीं हुआ और ज्वाइन नहीं किया और अपने काम में लगे रहे। साल दो साल गुजर गए। जब अपने मित्र को इस व्यवसाय के बारे में बताते पाया तो साड़ी लेने के इरादे से उसे ज्वाइन कर लिया। अनिल कुमार रॉय ने रामशंकर सर को प्लान की पूरी जानकारी दी। रामशंकर सर अब काम करने को प्रोत्साहित दिख रहे थे पर अभी आश्वस्त नहीं थे, तो अनिल सर ने अजय सर की ट्रेनिंग में जाने के लिए प्रेरित किया। यहां जो सारे सवाल थे वो रामशंकर को मिलने लगे। यही सोच 2000 और 4000 रुपए मिल जाएंगे तो क्या बुरा है, और काम करने लगे। पर लोगों की ना ने उन्हें हताशा के दौर तक पहुंचाया और हां उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाती। आजमा ले आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले, बोलिए लपे रुके हैं तेरे सजदे में झुके हैं, पल पल बिखरे हैं कितने उजाले, क्या करूं क्या सोचता है चैन दिल का ढूंढता है, अपनी किस्मत को जगा ले बीच का पर्दा उठा ले, आजमा ले आजमा ले आजमा ले आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले, ओ बोलिए लबे रुके हैं तेरे सजदे में झुके हैं, पल पल बिखरे हैं कितने उजाले। खेलता है दर्द कितने झेलता है, सोचता तू और कुछ है और कुछ तू बोलता है, अपने गम से खेलता है दर्द कितने झेलता है, सोचता तू और कुछ है और कुछ तू बोलता है, अपने दिल को तू मना ले बीच का पर्दा उठा ले, आजमा ले ट्रेनिंग में अपने आप को निखारा। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, विजय भव इसी हां और ना से होते हुए अपनी टीम का निर्माण किया। 2000 4000 रुपए से होते हुए वो 10000 लोगों को कमा चुके हैं। इन्हीं 10000 लोगों ने राम शंकर चौधरी को बनाया नेटवर्क मार्केटिंग की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप में डायमंड लीडर। लोचनाए दिगंबराए अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की किरण रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की किरण
अपने उम्मीदों का हमने सूरज उगाए हैं। अरे हमी बवंडर हमी सिकंदर अरमानों का हमी समंदर आसमान के सिरे बांधते पाँव उठाकर सिंधु लागते ऐसे हम हैं निगर Yeah.